मैक्लोडगंज, जिसे मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा पर बेहद ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। 14 दलाई लामा टेंजिंग गेत्सो ने यहाँ पे तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की थी और धीरे धीरे ये पूरा प्लेस तिब्बतन कॉलोनी में कन्वर्ट हो गया। मैक्लोडगंज अपने तिब्बतन कल्चर, एंशंट मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, नेचर ट्रैक्स, वाटरफॉल्स, ग्रीनरीज और अपने स्वादिष्ट तिब्बतन खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं मैक्लोडगंज को और भी करीब से। मैक्लोडगंज के मार्केट को एक्सप्लोर करते समय हमें एक भैया मिल जाते हैं जो हमें कहते हैं कि हमें पूरा मैक्लोडगंज और धर्मशाला घुमा देंगे, लेकिन आपको बहुत सारे ऑटोज एंड कैब का ऑप्शन मिल जाएगा घूमने के लिए। तो पहले ही हम आ जाते हैं वाक्सुनाथ टेम्पल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सो यहाँ पे भक्सु मंदिर का बहुत एक प्राचीन इतिहास है, बहुत पुराना मंदिर है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, आप यहाँ बोर्ड में पढ़ भी सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता चला, भक्सु नाम का एक राजा था जो आपका अजमेर के प्रदेश, मतलब अजमेर जो आज है वहाँ पे रहा करते थे, और वहाँ पे बारिश नहीं होने के कारण एक मतलब सिचुएशन हो गया था जब प्रजा को पानी नहीं मिल रहा था, तो प्रजा वहाँ से जाने लगे थे। तो भक्सु ने बोला था, भक्सु राजा भक्सु ने बताया कि चलो पानी मैं लेके आऊँगा, तो इस प्रदेश में आए, नागों के प्रदेश जैसे बोला जाता है, तो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे पानी का तलाश किए। ऊपर जो धौलाधार रेंज है, ऊपर में एक बहुत सारे सरोवर है, तो उसमें एक सरोवर मिला जिनमें पानी थे, तो वो पानी लेके वापस जा रहे थे, पानी सारा चोरी कर लिए थे बोला जाता है, चोरी करके वापस जा रहे थे। तो बीच में नागदेव आ गए थे, नागदेव हमारे महादेव का ही एक रूप है, तो उनसे उनका युद्ध हुआ और वो परास्त हो गए, भक्सु राजा परास्त हो गए। तो वो बाद में अपने बताएं कि मैं तो हार गया, मैं मर जाऊंगा, बट एक्चुअली मैं पानी इसलिए लिया था क्योंकि मुझे अपने प्रजा तक पहुंचाना है, नहीं तो हमारी प्रजा मर जाएगी। तो फिर भक्सु राजा मतलब जो नाग थे वो वहाँ पे वर्षा कराए, नागदेव हमारे महादेव ने वहाँ पे वर्षा कराया, वहाँ पानी का स्रोत बना और उनके प्रजा जीवित रहे। और भक्सु राजा ने बोले थे महादेव से कि ऐसा कुछ करिएगा कि हमारा नाम आपके साथ अमर हो जाए। तो इस जगह का नाम भक्सु नाग से फेमस हो गया, मतलब नागदेव हमारे महादेव और भक्सु राजा के नाम से भक्सु नाग ये जगह का नाम पड़ा, इसलिए ये जगह यहाँ पे फेमस हुआ। बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पे एक साफ पानी का कुंड है जहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं। सो अब हम जा रहे हैं भक्सु वाटरफॉल की तरफ। आपको बेसिकली 10 मिनट का हाइक करना पड़ेगा वाटरफॉल तक जाने के लिए, लेकिन ईजी है। कुछ कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी है आप कर सकते हैं, जैसे हो गया आपका क्या बोलते हैं जिप लाइन वगैरह टाइप का चीज़ है जो आप कर सकते हैं। भक्सु नाग का मंदिर के बाद आप 15 मिनट से 20 मिनट का वॉक है जो आपको ऊपर तक वाटरफॉल तक ले जाएगा, बहुत प्यारा वाटरफॉल है। अभी पानी कम है थोड़ा, बट अच्छा है, आप आ सकते हैं। इस सीज़न में भी आ रहे हैं, मतलब अप्रैल मई के बीच में भी आप आ सकते हैं, बट मानसून में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मिलती है। प्लस यहाँ से आप त्रिउंड का भी ट्रैक कर सकते हैं, अगर किसी को ट्रैक वगैरह करना है तो यही रास्ता है ऊपर, 4-5 किलोमीटर है, मतलब 5-4 घंटे 3 घंटे जैसा कोई कर सकता है, तो यहाँ से ट्रैक भी हो जाती है। और एक चीज़ मुझे नया जो दिखा है हमारे पीछे, वो गार्बेज के लिए एक यूनिक स्टाइल है, मतलब गार्बेज को ही डेकोरेट कर दिया गया है यहाँ पे, जो भी वेस्ट होता है यहाँ नीचे ले जाना फेंकना वो भी दिक्कत है, तो उसी को एक क्रिएटिव वे में एक क्या बोलते हैं उसको, डिज़ाइन क्रिएट किया गया है जिसमें लिखा गया है चेंज, मतलब दिस इज़ द चेंज एक्चुअली। हमको पता चला है कि इंडिया का जो एक्चुअल टिबेटियन कल्चर है वो मैक्लोडगंज से ही शुरू हुआ था, और यहाँ पे एक्चुअल दलाई लामा का मंदिर है।
फिर हम चले आते हैं हिमाचल प्रदेश का विंटर कैपिटल धर्मशाला में। धर्मशाला पहुंचते ही हम लोग चले आते हैं यहाँ का इकलौता चाय बागान देखने के लिए। सो 1894 से ये हिमालयन ब्रू है और यहाँ पे बहुत सारे चाय के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप खरीद के ले भी जा सकते हैं और यहाँ ट्राई भी कर सकते हैं। तो हमने दो तरह का चाय लिया, आइस टी लिया हमने, ऐसे ही गर्मी है इसलिए, और बाकी आप यहाँ से बहुत सारे चाय ले जा सकते हैं। प्लस आपको खाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ पर कुछ भूख लगा है तो आप खाना भी खा सकते हैं। धर्मशाला में एक ही हिमालयन ब्रू टी गार्डन है और एक ही टी स्टेट है। आप अगर दार्जिलिंग गए होंगे तो ये टी गार्डन उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत छोटा है। और अभी तो एक साइड पूरा हार्वेस्टिंग कर दिया गया है, इस साइड ग्रीनरीज दिख रही है, एक साइड तो बहुत खराब ही लग रही है देखने में। बट आप अगर इधर आए हैं टी से आकर के थोड़ी देर इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे यहाँ का लोकल जो है इसी चाय पत्ते से, और भी बहुत सारे चाय पत्ते के यहाँ पे चाय बनाए जाते हैं। कोल्ड आइस टी है और नॉर्मल टी है, आप ले सकते हैं, हमने आइस टी ली है। अच्छा ही जगह। चाय बगान एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ का वन एंड ओनली HPCA स्टेडियम देखने, जहाँ आए दिन क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं। तो आप अगर धर्मशाला आए हुए हैं तो धर्मशाला में एक बहुत ही खूबसूरत सा मोनेस्ट्री, नंग्याल मोनेस्ट्री है, तो आप यहाँ आकर विजिट ज़रूर करें। यहाँ नंग्याल मोनेस्ट्री के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे एक फी देना पड़ता है नॉर्मल से, 50 रुपये पर टिकट है, टिकट पर 50 रुपये। यहाँ एक मतलब बुकलेट एक तरह का है जहाँ पे इस मोनेस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से मिल जाएंगे और इसे वापस दे देना है जाते समय। अगर आप धर्मशाला आए हुए हैं तो यहाँ का सबसे खूबसूरत नंग्याल मोनेस्ट्री देखना ना भूलें, जो अभी दलाई लामा का घर भी है। भी है हम लोग सेंट जॉन चर्च के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैक्लोडगंज में एक चर्च है जिसका एक ही चर्च है ये मैक्लोडगंज का, पूरे चारों तरफ से देवता और पीड़ित के जंगलों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा चर्च है, बहुत प्यारा चर्च है। आप आगे यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं नड्डी व्यू पॉइंट पे। तो नड्डी एक विलेज है जो मैक्लोडगंज से थोड़ा आगे ही है, 5 किलोमीटर के आसपास। बीच में आपको डल लेक भी मिलेगा, उसके बाद आप नड्डी आ सकते हैं। छोटा सा गांव है
और यहाँ से धौलाधार का व्यू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हमने ड्रोन तो उड़ाया है, वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा मिला है हमें, तो आप लोग के साथ वो पिक्स और वीडियोस तो शेयर करेंगे ही, बट बहुत अच्छा प्लेस है। आप अगर धर्मशाला साइड है तो आप यहाँ ज़रूर आए, और यहाँ आने के लिए ऑटो वगैरह भी मिल जाती है। अगर आप पूरा दिन नहीं घूमना चाहते हैं, बाई फूड भी करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, और ऑटो सर्विस भी यहाँ अवेलेबल है, ऑटो से भी आप आ सकते हैं। और हम लोग के जैसा आप कैब भी बुक कर सकते हैं, जो पूरे दिन के लिए आप धर्मशाला इंक्लूड हो जाएगा, धर्मशाला के साथ आसपास जो भी है आपका मैक्लोडगंज में वो और धर्मशाला दोनों हो जाएगा। अपने साइट सीइंग के टूर पे आज हम लोग लास्ट में आ चुके हैं डल लेक भी रास्ते में पड़ता है, नड्डी जाते समय ही पड़ेगा आपको, और छोटा सा लेक है। पहले यहाँ बोटिंग वगैरह होती थी, अभी कुछ नहीं होती है, बट बहुत अच्छा है। मतलब शाम के टाइम चारों तरफ सनसेट हो रहे हैं, ऊपर धूप है और पूरा नीचे छांव है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा है। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी हो रही है, तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू स्पेंड योर इवनिंग में यहाँ आए, और सामने सनसेट पॉइंट भी है, वहाँ से सनसेट भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा।